हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के दिनों में बात करने वाले हैं दोबारा एक और मल्टी बैगर स्टॉक्स कह सकते हो उसे उसने पिछले कुछ महीनों अगर बात करें एक साल की तो काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और उनका दो हजार का शेयर बीस हजार रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है एक महीने पहले उसकी वीडियो बनाई थी तब आपसे कहा था कि इसके टारगेट ये है और उस टारगेट की तरफ वो अचीव करने जा ही रहा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आज के दिन में भी देखे तो अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ रहा है तो किस शेयर से रिलेटिव बातें कर रहे हैं उससे रिलेटिव बातें करेंगे जानेंगे फंडामेंटल्स अगेन और उसके दोबारा टारगेट क्या है वो भी दोबारा जानेंगे बट बिफोर दैट वीडियो से आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे बाकी हमारे चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी सब्सक्राइब करें शेयर करें उनके साथ ताकि वो भी आ, मार्केट से सीख के आ, मार्केट में एंट्री ले सके और जब सीख के एंट्री लेंगे और शेयर बाजार के बारे में जानेंगे और गैमलिंग छोड़ के जानेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का तब वो अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमा सकते हो और हमारा इंडिया जैसे अमेरिका में नाइन्टी परसेंट से भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में वैसे इंडिया भी करेगा और बहुत आगे हम बढ़ते रहेंगे तो आइए वीडियो की तरफ चल

ओके okay, लगभग महीना भी नहीं हुआ है दो तीन थ्री वीक्स हुए और उस टाइम ये शेयर का प्राइस क्या चल रहा था यहाँ देख सकते थ्री नाइन नाइन थ्री और अभी क्या चल रहा है अभी लगभग फोर्टी सिक्स हंड्रेड के आसपास ये शेयर चल रहा है अगर बात करें छः सौ रुपए यहाँ तीन जंप कर चुका है कब

बनता था सीधे इक्कीस इक्कीस रुपए तक के शेयर जाता हुआ दिखाता है एक साल के अंदर अंदर ये शेयर ने इस तरीके के बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे अगर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे ही बात करते हैं तो लगभग एक लाख अट्ठासी शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए थे और कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर और भी कुछ देखिए अभी स्प्लिट दिया था आ, वन का ओके इस वजह से यहाँ पर सॉरी वन का दिया था आई थिंक एफ आई नॉट रॉन्ग तो इस वजह से यहाँ पर शेयर डिवाइड होता हुआ दिखाई दिया था और ये कंपनी करती क्या है तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस हमने फंडामेंटल्स भी जाने हैं सब चीज हमने इसके बारे में देखी है तो कंपनी किस चीज में काम करती हुई नजर आती है Uh, यहाँ पर जितनी भी कंपनी है ना इनकी मोस्ट ऑफ द कंपनी जिस जो भी सेगमेंट में कंपनी काम करते हैं सबको पी एल आई स्किन का फायदा होता हुआ नजर आएगा आगे यहाँ पर देखें अगर uh, ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स में लाइट्स में मोबाइल फोन स्मार्टफोन जो इंडिया में बनते हैं सैमसंग एपल वगैरह वो सब इसी कंपनी में बनते हुए नजर आते हैं यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है ये वॉशिंग मशीन बनाती हुई नजर आती है एलई डी लाइट बनी हुई नजर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक एलईडी होम अप्लाइंस विद वॉशिंग मशीन ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है मोबाइल फोन ये बनाती है सीसीटीवी कैमराज ये कंपनी बनाती है मेडिकल इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है तो मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती करती है बाकी तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए तो थोड़ा इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप कंपनी है ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी फाइव नाइन करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटल है ना के बराबर एटीन परसेंट का ही डेट है ज्यादा डेट भी नहीं है प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर प्लेज नहीं है इसकी इसके अगर बात करें और मेरे ख्याल से इसने आज ही हाई

you एज वेल एज प्राइज इंक्रीमेंट शेयर प्राइस इंक्रीमेंट जिस तरीके के सेगमेंट में कंपनी काम करती है वो चीज इनका मैनेजमेंट एवरी थिंग इज फाइन वेल ओके तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी के साथ बने रहना चाहिए इन्वेस्टिंग पर्पज से हो ट्रेडिंग के परपज से हो कुछ भी हो बट एट लीस्ट इस, इस कंपनी ये कंपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा हमेशा रहना भी चाहिए इसलिए जब लो लेवल पर आया था लगभग जब ये uh, गिर गया था शेयर जब से यहाँ पर स्प्लिट हुआ था फोर्टी थ्री हंड्रेड से सीधे यहाँ पर जब शेयर थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज के आसपास आया था तब मैंने यहाँ पर उठाया भी था वीडियो तब भी बनाई थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए हाईएस्ट एन यहाँ पर ऑपरेटिंग आपर हुआ 268 करोड़ एक करोड़ का हाइस्ट नेट प्रॉफिट इस चीज को थोड़ा सा समझ के हमें काम करना चाहिए रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए इकहत्तर करोड़ का रिजर्व 10 साल में छह सौ करोड़ का रिजर्व हो गया है की बात करें अट्ठाइस करोड़ की बोरिंग है जो कि इसके रिजर्व कैपिटल के कैपिटल शेयर कैपिटल के मुकाबले कुछ भी नहीं है बात करें यहाँ पर यहाँ पर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये कंपनी हमेशा अपने आप को आगे रखती है और जैसे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है बढ़ती हुई नजर आएगी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जंप करता ही रहेगा यहाँ पर बात करें सी डब्ल्यू आई पी फिर अब सेवेंटी टू करोड़ का है जो जब यहाँ पर एड हो जाएगा फोर हंड्रेड समथिंग करोड़ का जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो फिर दोबारा यहाँ पर जब ये ये जो नंबर्स है सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये दोबारा बढ़ता हुआ आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा रे आर ओ सी की बात करें थर्टी थ्री परसेंट की आर ओ सी भी कंपनी काम कर रही है प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है थर्टी फाइव पॉइंट जीरो फोर परसेंट की होल्डिंग है थोड़ी सी से दारी यहाँ पर कम करती हुई नजर आया है प्रोमोटर्स बट कोई इशू नहीं है जो इन्होंने कम किया है डीआईए ने यहाँ पर उठा लिया थोड़ा बहुत इन... एफआई ने भी यहां पर निकाला है डी आई एस ने भी थोड़ा सा माल निकाला है नॉट एन इशू बट अगर बात करें तो यहाँ पर 34 परसेंट की हिस्सेदारी किसकी है पब्लिक की बट पब्लिक में भी यहाँ पर अगर बात करते हैं बड़े बड़े एच जो है यहाँ पर कमला वाचनी 7.69 परसेंट अतुल बी लाल यहाँ पर 3.55 परसेंट स्टडी व्यू की बात करें 2.33 पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आई सी आई सी एडेशन परसेंट सुनीता मनकानी 1.08 परसेंट शोभा सिप्पी वन तो इन्होंने हिस्सेदारी ले रखी है तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं

तो यहाँ देख सकते हैं सेम वैसे उस टाइम तो पर पर इस तरीके से पर चार्ट पैटर्न बन रहा था इसके बेस पे बनाया था बट अभी इसके बेस पे बन रहा है क्योंकि यहाँ पर रेट टच हो गया है और फिर दोबारा नीचे निकलता हुआ आ रहा है और इसके अगर हम बात करते हैं एक मिनट यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और अगर हम यहाँ पर से बात करते हैं तो एक यहाँ पर टच हो रहा है फिर यहाँ टच हो रहा है फिर छोटा सा कपड़ यहाँ पर बन के फिर ये ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है तो दोबारा टारगेट की बात करें तो टारगेट सेम ही नजर आ रहे हैं अभी अभी ऐसा कुछ खास चार्ट पैटर्न दोबारा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है बट अगर हम बात करते हैं कितने परसेंट के रिटर्न की तो ये कितना तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट और कर लेते हैं सॉरी यहाँ पर कोई इशू नहीं है बट हम अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो ये कितना टारगेट नजर आ रहा है थोड़ी नीचे ले लेते हैं तो ये 5500 के आसपास नजर आ रहा है बट ऑलरेडी शेयर प्राइस कहाँ चल रहा है ऑलरेडी शेयर प्राइस यहाँ पर से तो ऊपर जा ही चुका है तो हम यहाँ पर देखते हैं तो अभी भी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री परसेंट का यहाँ पर अपसाइड साफ नजर आ रहा है इसके डायरेक्ट नहीं जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंसोलिडेट क्योंकि आर एस आई भी इसकी हाई हो गई है तो थोड़ा सा शेयर प्राइस नीचे होता हुआ फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है इन्वेस्टिंग पर्पज़ का ही स्टॉक है इसे तो इन्वेस्टिंग पर्पज़ के ही बना के रखिए इसे पोर्टफोलियो में दीजिए वो भूल जाइए ऐसा स्टॉक है डरने की कोई जरूरत नहीं है ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो ये इसके दोबारा टारगेट फिफ्टी के आस जाता हुआ नजर आ रहा है 20 परसेंट की गेन अभी दोबारा है फिर दोबारा ये नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा इस तरीके से फिर दोबारा एक नया चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा तो अच्छा खासा यहाँ पर शेयर प्राइस यहाँ पर दोबारा गेन करता हुआ नजर आएगा तो शेयर इस वीडियो में दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके यहाँ पर कोई भी पोजिशन लीजिएगा तो वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिए सो थैंक यू सो मच ब्लेस